इस सेशन में प्राइस लिस्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। प्राइस लिस्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें हम कस्टमर्स पे बात करते हैं कि अगर कोई ओल्ड कस्टमर है तो उसको कितना डिस्काउंट दिया जाए, और कोई अगर न्यू कस्टमर है तो उसके लिए क्या डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पहले एक कंपनी बना लेते हैं, एड्रेस दे दिया। गौसीपुर कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर लिया। हम करेंगे ये काम, हमें जाना है प्रेस करना है हमें यहाँ पर F11 F2, और हमें यहाँ पर ये सेपरेट कॉलम डिस्काउंट वाला यस करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत यूज मल्टीपल प्राइस लेबल, इसको हमें यस करना होगा। और यहाँ पे हमें टाइप करना होगा न्यू कस्टमर, और इसमें हमें टाइप करना होगा ओल्ड कस्टमर, इसको हम सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें इन्वेंट्री इन्फो पे जाना होगा, स्टॉक आइटम पर, और यहाँ पे कुछ आइटम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने बना लिया, हमने बना लिया यहाँ पर प्लास्टिक पाइप, और हमने इसको ऐड कर दिया अंडर ग्रुप में, इसको पाइप। इसका जो यूनिट है इसको हम यूनिट में चेंज करेंगे, इसको फीट में ले सकते हैं या मीटर में ले सकते हैं, तो हमने फिलहाल फिट में कर लेते हैं। यहाँ से हम इस इसमें सेलिंग भी कर सकते हैं, या हम इसको नोट अप्लिक में छोड़ देते हैं। आइटम बनाने के बाद यहाँ पे हमें उसका प्राइस भी देना पड़ेगा, तो हम प्राइस दे लेते हैं, सॉरी प्राइस नहीं, यहाँ पे हम क्वांटिटी रख देते हैं कि हमारे पास कितना क्वांटिटी है। जैसे दे दिया 1000 हमारे पास क्वांटिटी है, और यहाँ पे हम रेट भी इसका रख लेंगे कि क्या रेट से है हमारे पास, हम यहाँ पे इसका रेट रख लेते हैं। जो फिट की बात हो रही है तो ये हमारे पास है 40 रुपये पर फीट, हमने इसको सेव कर लिया। अब हम बैक जाएंगे, अब हमें हमें जो यस किया था प्राइस लिस्ट उसको ऑन करेंगे। उसे ऑन करने के लिए हम अभी गेटवे टैली पर हैं, हमें इन्वेंट्री इनको भी जाना होगा, और यहाँ पे हमें दिखेगा प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें आइटम सेलेक्ट करना होता है। अगर हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं तो हम ऑल आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास फिलहाल एक आइटम है, तो हम एक आइटम सेलेक्ट करके या ऑल आइटम में क्लिक करके यहाँ पे हम फिट करेंगे कि न्यू कस्टमर के लिए क्या डिस्काउंट होगा, ओल्ड कस्टमर के लिए क्या डिस्काउंट होगा, वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम न्यू कस्टमर को सेलेक्ट किया हमने, ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, और हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आइटम, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि लेस देन कितना से कितना, अगर कोई न्यू कस्टमर खरीदता है तो उसको डिस्काउंट दिया जाए या नहीं दिया जाए। यहाँ पे मैं दिख रहा है अगर 40 रुपये फिट है प्रति फिट, तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर कोई कस्टमर खरीदता है हमारे यहाँ से 20 फिट खरीदे,
तो रेट हम 40 रुपये के हिसाब से देंगे उसको न्यू कस्टमर के लिए, कोई डिस्काउंट नहीं। अगर 20 से 30 के बीच यानी या 40 फीट के बीच आता है वो, ठीक है, तो उसको हम 40 रुपये के हिसाब से देंगे और 2% का डिस्काउंट देंगे। अब 40 से 80 पीस के बीच खरीदता है बंदा, ठीक है, तो चार रेट वही रहेगा, हम यहाँ पर उसको डिस्काउंट देंगे 4%। तो ये हमारे पास रेट होता है कि अगर 80 से 160 के बीच जाता है बंदा तो रेट वही रहेगा और हमें वो डिस्काउंट हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 5% डिस्काउंट कर लें। अब 160 के से 200 के एबव जाता है तो हम रेट वही रहेगा हमारे पास, हम डिस्काउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8% डिस्काउंट दिया। अब हमें नेक्स्ट करके इंटरफेस करके वापस आ जाएंगे। अब हमारे पास अगर और भी आइटम होते हैं तो हम यहाँ पर आइटम को ऐड करके बना लेते हैं। फिलहाल हमने न्यू कस्टमर के लिए बना लिया, इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद आइटम सेलेक्ट करके ओल्ड कस्टमर पर क्लिक करिए, ओल्ड कस्टमर की भी फीडिंग कर दीजिए। प्लास्टिक पाइप की बात हो रही तो 20 पीस अगर लेता है, क्योंकि हमारा पुराना कस्टमर है तो रेट तो वही रहेगा, लेकिन इसको हम कुछ डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। और 20 से 40 के पीस खरीदता है ये, तो रेट वही रहेगा, इसको हम डिस्काउंट दे दीजिए। 40 से 80 पीस खरीदता है तो रेट वही रहेगा और इसको हम 4% डिस्काउंट देंगे। 80 से 160 पीस के बीच खरीदता है तो रेट हम वही रखेंगे और हम इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। और यहाँ पर 160 से 200 फीट के बीच खरीदता है तो हमारे पास रेट भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं, या हमने दे दिया 6%, या हम 8% देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोफार्मा है। इसको बनाने के बाद हम वापस चले जाएंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर पे हम आएंगे, एक सामान खरीदेंगे और एक सामान को बेचेंगे, और यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि इसको हम बंद कर लेते हैं। F11, F2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमें यहाँ पे सामान खरीदना है। सामान हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें करना क्या होगा, F8 प्रेस करना होगा। F8 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर पार्टी हमारे पास तो है नहीं, तो पार्टी हम बनाएंगे जिनको हमें सामान बेचना है। तो हम Alt के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं, कोई कस्टमर आया जिसने दे दिया, खरीदा, कोई किसान है सामान खरीदने आया तो हम इसको सामान देंगे। यहाँ पे हमें डिसाइड करना था कि न्यू कस्टमर या ओल्ड कस्टमर। अगर ओल्ड कस्टमर होगा तो ओल्ड कस्टमर को आप सेलेक्ट करो और इसको सेव करके वापस आ जाएगा। हम एक बना लेंगे Alt के साथ C करके, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे हम, सेल्स कंट्रोल ए। हमारे पास प्लास्टिक का पाइप है, 1000 फीट टोटल हमारे पास। अगर ये 10 फीट भी खरीदेगा तो इसको हम डिस्काउंट देंगे 2%, ठीक है। अब प्लास्टिक पाइप दोबारा फिर खरीदता है वो, तो अगर ये नेक्स्ट टाइम वो 80 फीट खरीदता है तो उसको अलग रेट से, रेट वही रहेगा, डिस्काउंट चेंज होगा। या तो लिख सकते हैं बीइंग सोल्ड आइटम ऑन क्रेडिट, इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम बात करेंगे, एक बिल नंबर नेक्स्ट किया मैंने पार्टी, ये ओल्ड कस्टमर हमारे पास थे। हम बात करते हैं न्यू कस्टमर की। न्यू कस्टमर के लिए क्या रूल है, और न्यू कस्टमर कोई आया, उन्होंने कोई नाम दे दिया सुभाष, कोई किसान है संजय डेप्ट, यहाँ पे हमारे पास न्यू कस्टमर है और सेस अकाउंट, हमारे पास प्लास्टिक पाइस पड़ी है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये बंदा 60 पीस खरीदता है तो उसको 4% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर ये 200 फीट फिर से खरीदता है तो उसको उसके हिसाब से छूट दिया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे बी सोल्ड आइटम ऑन क्रेडिट। इसके बाद हमने इनको सामान बेचा है तो हमें इसको रिसीव भी करना होगा। हम प्रेस करेंगे यहाँ पे F6। हमने हरिया को सामान बेचा था तो इनसे हम 3432 रुपये वापस लेंगे इनसे। यहाँ पे अगेंस्ट करना होगा तो ये हमें बिल दिख जाएगा पेंडिंग बिल और इसको हम सेव कर लेंगे। इसके माध्यम से लिख दिया यहाँ पे बीइंग कैश, यहाँ पे फुली कैश रिसीव्ड और हरिया से हो गया। यहाँ पे सुभाष से भी पैसा लेना है 9664 रुपये कैश। लीजिए बीइंग कैश रिसीव्ड सेव कर लिया।